हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब फ्रेंड्स? त्योहारों का सीजन आ रहा है तो अब तो ऐसे में नमक पारे और मट्टी हर घर में बनाए जाते हैं, तो आज हम भी दुनिया के सबसे आसान नमक पारे बनाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कटोरी आटा लिया है। ये वाले नमक पारे जो है हम आटे से बनाएंगे, जो बहुत हेल्दी बनकर तैयार होंगे। और इसमें अब हम टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे और अब इसमें आधी चम्मच अजवाइन डाल देंगे। और आप आटा अपनी फैमिली के हिसाब से ले सकते हो और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल इसमें मट्ठी की तरह बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अगर हम कम ऑयल डालते हैं तो हमारे नमक पारे बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि इनको हम बहुत पतला पतला बेलेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो इसलिए कम ऑयल में भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। जो हमने मोइन डाला है इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि पूरे आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, अब हम इसमें थोड़ा गुनगुना पानी डालते हुए एक सख्त सा आटा लगा लेंगे। जब त्योहारों पर बच्चों की छुट्टियां पड़ती है तो उन्हें बार बार भूख लगती है और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि अब हम उन्हें बार बार कुछ ना कुछ बनाकर दिए जाए। अगर कुछ इस तरह से नाश्ता हम पहले से ही तैयार करके रख लेंगे तो बच्चे खुद भी लेकर खा लेंगे। बच्चे हो या बड़े, इस तरह का नाश्ता तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें एक टाइट सा आटा लगा लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा आटा बनकर तैयार है और इसको हमने पूरी से थोड़ा टाइट गूथा है और अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। फ्रेंड्स, हमारा आटा भी रेस्ट कर चुका है और ये बहुत अच्छे से सेट हो गया है। तो चलो अब नमक पारे बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लगभग 2 रोटी के बराबर का एक बड़ा सा पेड़ा ले लिया है और अब हम इसको बहुत ज़्यादा पतला बेलेंगे, क्योंकि जितना हम पतला बेलेंगे हमारे नमक पारे खाने में उतने ही कुरकुरे और टेस्टी लगेंगे। अगर आपको लगे कि आटा चिपक रहा है, अच्छे से बिल नहीं रहा है, तो आप सूखा आटा या ऑयल कुछ भी लगा सकते हो। बस इसको हम ऐसे ही पूरा बड़ा बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा तो चकला भी छोटा पड़ गया था और फिर मैंने इसको थाली पर बेलना शुरू किया है और अब हम इसकी बारीक बारीक स्ट्रिप काट लेते हैं। तो बस अब हम साइडों से इसके थोड़े से पीस को अलग कर लेंगे। इनका इस्तेमाल हम जब दोबारा से बेलेंगे तब कर लेंगे। और इसकी बहुत बारीक बारीक सी स्ट्रिप काटेंगे। आप जितना बारीक इसको काटोगे ये खाने में उतने ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें ना मैंने मैदा का यूज़ किया है ना सूजी का यूज़ किया है, सिर्फ आटे से ही बनाए हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी बनेंगे। आप पिज़्ज़ा कटर और चाकू, आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो इनको काटने के लिए। और बस आप देख लेना आपको कितने बड़े बनाने हैं। आप इसके 2 भी हिस्से कर सकते हो और 3 भी। मैं 3 हिस्सों में काट रही हूँ। थिकनेस कितनी पतली है। फ्रेंड्स, अब हमारा ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गया है तो एक बार हम थोड़ा सा पीस डालकर चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो ये डालते ही ऊपर को आ रहा है। तो अब हमारा ऑयल एकदम परफेक्ट है। तो अब हम अपने सारे नमक पारे डीप फ्राई करते हैं।
ये वाले नमक पारे बनाते समय ये जरूरी नहीं है कि आप गैस की फ्लेम को एकदम बहुत कम पर रखें, ये आप तेज गैस पर भी आराम से बना सकते हो। और आप देख रहे होंगे इसमें कितने बबल्स आ गए हैं, और जब ये नीचे से सिक जाएंगे तो सारे बबल्स नीचे ही बैठ जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे नमक पारे बनकर तैयार हैं और इनका कलर भी आप देख सकते हो कितना गोल्डन आया है। तो अब हम इनको उतार लेते हैं, क्योंकि उतारने के बाद भी इनका कलर थोड़ा डार्क होता है जब तक ये ठंडे ना हो जाएं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे नमक पारे कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। तो आप त्योहारों पर इन्हें ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपके नमक पारे कैसे बने। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय।